नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। एक बार फिर से प्रेमी युगल की मौत की खबर आई है। फिल्मों में आपने तमाम बार देखा होगा कि जब प्यार आगे बढ़ता है और परिजन उसका विरोध करते हैं तो प्रेमी युगल आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में दो प्रेमी युगल के शव लखनऊ के मोमेंटो होटल में मिले। ये होटल कृष्णा नगर में स्थित है। दरअसल राहुल और नैन्सी एक दूसरे को पिछले 4 सालों से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें प्यार की मंजिल नहीं मिली, लिहाजा राहुल ने एक खौफनाक प्लान बनाया और उसने न केवल खुद को मारा बल्कि अपनी प्रेमिका को भी मौत के घाट उतार दिया, और वो भी इतने निर्मम तरीके से कि अगर आपको पता चलेगा तो आपकी भी रूह फना हो जाएगी। राहुल ने अपनी प्रेमिका के ऊपर खाना खाने वाले चम्मच से जो कांटा होता है उससे 80 वार किए। इसके अलावा अपनी प्रेमिका की उसने होटल में जमकर पिटाई की, और इतनी पिटाई की कि उसकी प्रेमिका की मौत हो गई। इसके बाद भी प्रेमी राहुल का दिल नहीं भरा, उसने अपनी प्रेमिका का गला दबा दिया। राहुल ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और बाद में फिर राहुल ने भी खुदकुशी कर ली। कृष्णानगर थाने के पीछे स्थित होटल मोमेंटो की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 310 में बृहस्पतिवार दोपहर प्रेमी युगल राहुल और नैन्सी का शव मिला। होटल प्रबंधन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवती का शव सोफे पर पड़ा था, वहीं युवक ने नायलॉन की रस्सी से पंखे के सहारे फांसी लगा ली थी। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि राहुल ने कांटा चम्मच से नैन्सी की गर्दन, पेट और चेहरे पर 80 बार हमला किया। इससे पहले बेल्ट के बक्कल से उसने अपनी प्रेमिका नैन्सी को बुरी तरह मारा था। इसके बाद उसने अपनी ही प्रेमिका का गला दबा दिया और खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। मौके पर पहुंचे दोनों के परिजनों ने हंगामा किया और एक दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक प्रेमी युगल बुधवार दोपहर घर से निकले थे। अभी थोड़ी देर पहले थाना कृष्णा नगर को सूचित किया गया कि होटल मोमेंटम में दो लोग रुके हुए थे, नैन्सी और राहुल दो लोग रुके हुए थे, जिन्हें आज 12 बजे चेकआउट करना था। चेकआउट न करने पर के स्टाफ द्वारा सस्पेक्ट किया गया कि क्यों लोग खोल नहीं रहे दरवाज़ा। जब इन्होंने की रिंग बजाई तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिस पर उन्होंने खोल के अपने मास्टर कार्ड से देखा तो 2 यहाँ डेडबॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना कृष्णा नगर को दी गई। इनकी इस सूचना पर स्थानीय थाना के द्वारा और पास के थाने के द्वारा एक इंक्वायरी की जा रही है। दोनों में फील्ड यूनिट बुला लिया गया है। फील्ड यूनिट आवश्यक उसमें सूचनाएं इकट्ठा कर रहा है, स्वयं इकट्ठा कर रहा है और जो भी कमरे की स्थिति है। अभी प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि एक ने फांसी लगाई है, एक डेडबॉडी मृत अवस्था में पड़ी हुई है, बाकी सारी कार्रवाई की जा रही है। राहुल और नैन्सी एक कार पर लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए निकले थे। राहुल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA द्वितीय वर्ष का छात्र था और वो इस समय लखनऊ आया था। दोनों के घर सरोजनी नगर इलाके में थे। दोनों हम उम्र थे, दोनों में प्यार हुआ, बात शादी तक भी पहुंची, लेकिन बीच में अनबन हो गई, जिसके बाद राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। राहुल ने अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया कि अगर नैन्सी उसकी नहीं हुई तो फिर किसी की नहीं होगी। लिहाजा राहुल ने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने नैन्सी को फ़ोन कर बुलाया और कहा कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। नैन्सी राहुल की बातों में आ गई। नैन्सी राहुल के पास पहुंची। नैन्सी और राहुल सरोजनी नगर से निकलकर कृष्णा नगर के होटल मोमेंटो पहुंचे। वहां उन्होंने तीसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया। नैन्सी ने अपने परिजनों को भी फ़ोन कर दिया था कि वो देर रात लौटेगी, आज वो राहुल से आखिरी बार बात करना चाहती है। इसके बाद नैन्सी और राहुल एक कमरे में बंद हो गए और कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया, लेकिन अंदर कमरे में खौफनाक मंजर था। राहुल ने तयशुदा प्लान के तहत नायलॉन की रस्सी पहले से ले रखी थी। पहले प्रेमी प्रेमिका ने खाना खाया, उसके बाद राहुल ने अपनी ही प्रेमिका को उसी खाने वाले
कांटे के चम्मच से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। राहुल ने सिर्फ एक वार नहीं किया, राहुल ने अपनी प्रेमिका पर 80 वार किए। इससे समझा जा सकता है कि राहुल का नैन्सी को लेकर पागलपन किस हद तक था। इसके बाद राहुल ने खुद भी आत्महत्या कर ली। होटल वालों को इस बात की सूचना सुबह मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब होटल में पहुंची तो उसने राहुल के कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर घुसते ही पुलिस के होश उड़ गए। नैन्सी का शव बेड पर पड़ा था, तो वहीं राहुल फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस के मुताबिक राहुल और नैन्सी बुधवार दोपहर 12:30 बजे होटल मोमेंटो में कमरा लिए। शाम 4 बजे नाश्ते में फास्ट फूड का ऑर्डर किया गया। रात में खाने के दौरान ही कहासुनी के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। आशंका है कि राहुल ने खाने के साथ आए कांटे चम्मच से नैन्सी के पेट, सीने और गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इसके बाद नैन्सी का गला दबाकर उसे सोफे पर ही मौत के घाट उतार दिया। फिर राहुल ने अपने बैग में रखी नायलॉन की रस्सी निकाली और खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद होटल स्टाफ के क्रियाकलाप पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। राहुल ने नैन्सी पर इतने गंभीर वार किए, इस दौरान चीख पुकार भी हुई होगी, लेकिन होटल में उनकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। राहुल और नैन्सी दोनों के परिजन अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल और नैन्सी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। घर वालों को इस बात का पता चला तो दोनों के बीच में शादी की बात शुरू हुई। बाद में दोनों परिवार में अनबन हो गई, जिसके बाद राहुल ने इस खौफनाक घटना को अंजाम देने का मन बना लिया। राहुल नैन्सी को लेकर इतना पागल था कि उसने सोचा कि अगर नैन्सी मेरी नहीं होगी तो वो किसी की नहीं होगी, लिहाजा उसने नैन्सी की बेरहमी से हत्या की और उसके बाद खुद भी अपना अंत कर लिया। और इस तरह राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से प्यार के अंत की खौफनाक कहानी देखने को मिली। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।